लोग सोच रहे होंगे कि हेलो क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, स्वागत क्यों नहीं करते, क्योंकि कई लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे और मोबाइल पे हेलो ही किया जाता है। वहाँ स्वागत की स्पीड कैसे लोग होते हैं, स्वागत वेलकम करते हैं, हेलो करो, मोबाइल पे भी देख रहे हैं ना कई लोग। सो बहुत ही अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं। ये बहुत ही फेमस एक्टर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां गीता मिश्रा जी के लिए। आने में कोई तकलीफ तो आपको हुई, मैंने आपको गलत रास्ता बता दिया था, बट खैर कोई बात नहीं। और हरबुरु जी कैसे हैं? हरबुरु? हरबुरु कौन है? अरे जिनसे आपकी शादी हुई, अब तक तो आप जान ही गई होंगी उनको, हरभजन सिंह। मैं उनको हरबुरु कहता हूँ, दैट्स हमारा अपना है। सो स्वीट, मैं भी हरबु बोलती हूँ। अच्छा अच्छा, ओ काफी अभी तक तो खुल गए होंगे आपस में आप दोनों, काफी है ना, एक मिल। आज उनका मैच है ना, तो आपको टिकट नहीं दिया उन्होंने? हाँ दिया ना, आपके लिए रखा था। अगर आप जाना चाहते तो आप जाओ, मैं शो संभाल लेती हूँ। मेरे पे काम का बहुत बात है, मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए बातचीत का शुरू। उठिए, चेयर चाहिए, चेयर चाहिए, चल प्रोग्राम चल रहा है, चेयर चाहिए तुम कभी वो देख लीजिए, वो चेयर ले लो ना। समीर सर का चेयर है, आप उठिए, टाइम नहीं है मेरे पास। वो आया भी नहीं अभी तक मेरे पास। नहीं नहीं, मेरे को यही चेयर चाहिए, आप मेरा ले लीजिए। दिखाई नहीं देता, देखो ये नहीं ले सकता ना, बहुत काम का बोझ रहता है, ये सारा मेरे ऊपर ही रहता है, तो ये मैं इसलिए सपोर्ट करता रहता हूँ इन लोगों को, ये ना। हाँ जी, तो पर मुझे बहुत कुछ इस शो के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पर मुझे तो बताया गया था कि यहाँ का होस्ट, इस शो का होस्ट समीर जी हैं और सहवाग जी यहाँ के गेस्ट हैं, वो कहाँ हैं? उनके होने ना होने से कोई ऐसा है, मैं सच कह रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ एनीवे लीव देम, सारा मेरे ही कंधों पे है शो। पर उनके लिए तो मैं आई थी। हैं हमारे जूतों को यहाँ से वहाँ गायब कर दिया और इसलिए अपडेट हुआ यहाँ पर। मैंने देखो तो हमारे मत बोलो, दोनों में सिर्फ तुम्हारे जूते चुराए थे, ओके, तुम्हारा एक जूता चुराया मैंने और इन्होंने तो मुझे फेंक के मारा था। मैंने क्या गायब कर दिया? पर प्रोफेसर तुम काम ही ऐसा करते हो, तुम्हें फेंक के ही मारने पड़ेंगे जूते, पहनाए थोड़ेंगे। यहाँ पर और थोड़े से ट्रॉमा में है प्रोफेसर साहब को झेलते हुए, बट इज एंजॉइंग हिमसेल्फ। और भाई कल प्रेडिक्शन भी सही हो गई दिल्ली वाली। और यहाँ पर गीता जी, ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू, इट्स ग्रेट टू बी हियर। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। आपको बताते हैं भाई कि आज क्या होने वाला है। इट इज अ ग्रेट क्लैश फॉर द डे, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मैच। इट वॉज इनफैक्ट द फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ दिस 11th एडिशन। The Chennai Super Kings once again are going to be playing the Mumbai Indians, the topmost team. The topmost team, team all the way on the top is going to play the team all the way at the bottom. भाई टूर्नामेंट की शुरुआत से कोई कह नहीं सकता था कि ये दो टीम्स इस हालात में एक दूसरे का आमना सामना करेंगी। But I tell you one person इससे जो बहुत हैप्पी है, गीता इससे बेहद हैप्पी है, क्योंकि भाई पिछले साल जो थे भज्जी थे मुंबई इंडियंस में,
इस साल गए वो खाना खाने, इडली डोसा सांबर, और देखिए टॉप ऑफ द टेबल. यू आर नॉट टू फीलिंग टू बैड अबाउट दिस? एब्सोल्युटली नॉट. आई एम वेरी हैप्पी. ही इज डूइंग वेल एंड द टीम इज डूइंग वेरी वेल. तो और क्या चाहिए? वीरू भाई, आपसे बात करते हैं भज्जू के बारे में और थोड़े ऐसे किस्से. बिफोर, जब आप उनके साथ खेला करते थे, बिफोर ही मेट हिज लेडी लव, कुछ उन दिनों के किस्से जो शायद ये भी ना जानती हो उनके बारे में हमें भी बताइए. जो किस्से हुए हैं अगर वो बता दिए तो फिर शादी में वो लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे. वो ना बताऊँ तो चल. लेकिन हरभजन सिंह की खास बात एक थी, शायद अब गीता आगरी ना करे, लेकिन उस टाइम में हम लोग बहुत परेशान थे हरभजन सिंह. जब भी वो विकेट लेते थे जाकर झप्पी मारनी पड़ती थी, तो झप्पी भी इतना दूर से ही देनी पड़ती थी, क्योंकि अगर उसके पास गए ना इतनी गंदी बदबू आती थी, इतनी गंदी क्योंकि पसीने होते थे, पसीने की स्मेल थी, वो इतनी गर्मी. तो हम हर मैच के बाद उसे एक बोतल देते थे परफ्यूम की. क्या बात है, कि मैं परफ्यूम लगा के आया करता. सो दैट्स व्हाई ही हैज सो मेनी इन हिज क्लोजेट. नाउ अब वो टोटली समझ आया, अब वो टोटली बदल गया. मार्शल आर्ट्स वगैरह बहुत कर लेता हूँ. स्पोर्ट्स आर इन माय, कह सकते हैं कि बॉडी एंड सोल बोथ. मार्शल आर्ट्स, यस आई कैन टेल यू. कृपया कमजोर दिल वाले जो है अगर इसको अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं एक ऐसा हुनरबाज हूँ जो किसी ने नहीं देखा होगा.